अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके घर में अचानक सब उल्टा फुल्टा होने लगा है, जैसे हर काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कोई भी काम उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा, घर का माहौल इतना नकारात्मक हो गया है कि अपने ही घर में एक अलग सी घुटन महसूस होती है और आप इन सबसे छुटकारा चाहते हैं, आपका मन नहीं लगता है, किसी भी काम में आपको बुरे ख्याल आते हैं, दिन भर टेंशन बनी रहती है, तो फिर चाहे वो परिवार को लेकर हो या धन संबंधी परेशानी, आपको बस जरूरत है सुबह के समय ये शब्द बोलने की। दोस्तों, कौन है जो भोलेनाथ की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, भोलेनाथ के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय महाकाल। दोस्तों, वैसे तो भोलेनाथ सिर्फ पूजा पाठ से और सच्चे मन से जल अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को अपना चमत्कार दिखाते हैं, लेकिन दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि रोज सुबह उठते ही आपको बस ये शब्द बोलने हैं और इससे जो भी आपकी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी, भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे। उसके लिए आपको बस ये शब्द बोलने हैं, बिना पूजा पाठ के भी आपको इतना फल प्राप्त होगा कि जिसकी आप कल्पना तक भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, भोलेनाथ और महागौरी सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इन दोनों में से अगर आप किसी एक को भी खुश कर लेते हैं तो आपको वही लाभ मिलेगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। सुबह के समय यहाँ बताए जाने वाले शब्द जरूर बोलें। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। सिर्फ घर के बड़ों को ही नहीं, घर के बच्चों तक को भी ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका मानसिक विकास इतना मजबूत होगा, आपको अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। और घर की स्त्रियां भी इस उपाय को जरूर करें। आपको सुबह सिर्फ और सिर्फ ये शब्द बोलने हैं, और तो और इसके लिए आपको स्नान तक भी करने की जरूरत नहीं है। हर उपाय में, भगवान से जुड़े हर काम में आपको स्वच्छता का ख्याल रखना पड़ता है। स्नान करके साफ सुथरे कपड़े धारण करने होते हैं और उसके बाद ही आप उपाय करते हैं। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं उसका जवाब है सिर्फ दो शब्द जो आपको सुबह के समय बोलने हैं। अगर स्त्रियां ये उपाय करती है, घर में कोई नई नवेली दुल्हन है वो सुबह के समय ये शब्द बोलती है, तो आपके यहाँ उत्तम संतान जन्म लेगी और आपके घर के लिए बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध होगी। आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, इतना शुभ फल आपको मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी तरह बड़े बुजुर्ग दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और व्यापारी वर्ग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं, या अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को उत्तम करने के लिए और किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कोई उपाय चाहता है तो वो इस इच्छा पूर्ति शब्दों का जब सुबह के समय जरूर करें। निश्चित तौर पर आपको भोलेनाथ की कृपा जरूर मिलेगी, भगवान शंकर का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है और आपके जीवन में हर तरह की सफलता आपको मिलती है। दोस्तों, आपको करना बस ये है कि सुबह उठकर सबसे पहले देवताओं का ध्यान करना चाहिए। उसके अलावा आपको अपने दिन की शुरुआत देवताओं की पूजा पाठ से ही करनी चाहिए ताकि आपको उसका सही और शुभ फल मिले और आपको आपके जीवन के अंदर अच्छे काम देखने को मिले। आपको सुबह दोनों हाथ जोड़कर ये शब्द बोलने हैं जो कुछ इस तरह है, ओम जूम सह। ये लघु महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र के जप से आपके कुंडली में भी अगर कोई दोष है तो उसमें भी कमी आती है। इसके अलावा अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आप चाहे तो दोनों में से कोई एक उपाय भी कर सकते हैं और चाहे तो दोनों उपाय भी कर सकते हैं। इसका अर्थ है, हाथ के अग्नि भाग में माँ लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती, मूल में गोविंद का वास होता है और वो हमारे सारे कार्य बनाते हैं और इसी तरह हमें अपने सुबह की शुरुआत करनी चाहिए ताकि हमारा समय अच्छा बीते। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।